के साथ का दावा करने वाली भारतीय रेलवे इन दिनों मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। ट्रेनें कई कई घंटे की देरी से चल रही है। उस पर ट्रेनों को एक ही स्टेशन पर कई घंटे तक रोक दिया जा रहा है। इस भीषण गर्मी में यात्री बिलबिला जा रहे हैं। रेलवे की इस कारगुजारी का खामियाजा रेल यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। आपकी सेवा में मुस्कान के साथ का दावा करने वाली भारतीय रेल इन दिनों मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। ट्रेनें कई कई घंटे की देरी से चल रही है। उस पर ट्रेनों को एक ही स्टेशन पर कई घंटे तक रोक दिया जा रहा है। इस भीषण गर्मी में यात्री बिलबिला जा रहे हैं। रेलवे की इस कारगुजारी का खामियाजा रेल यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। और जब उनकी सहनशीलता जवाब दे रही है तो उनका गुस्सा भी भारतीय रेल पर उतर रहा है। ताज़ा मामला बिहार के गया स्टेशन के पास मानपुर जंक्शन का है, जहां डाउन गया हावड़ा एक्सप्रेस को 6 घंटे तक रोके जाने से गुस्साए यात्रियों ने सियालदह से नई दिल्ली जा रही सियालदह राजधानी एक्सप्रेस पर जमकर पथराव किया, जिससे ट्रेन के कई कोचों के शीशे टूट गए। पथराव की घटना में कई यात्रियों को चोट लगने की भी सूचना है। ट्रेन के मुगलसराय पहुंचने पर रेलवे कर्मचारियों ने टूटी खिड़कियों के लिए रिपेयरिंग की और ट्रेन को नई दिल्ली के लिए रवाना किया, लेकिन इस दौरान रेल यात्रियों के चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती थी। ट्रेन में क्या हुआ है? ऐसा कुछ सूचना मिली थी कंट्रोल के द्वारा कि इसमें जो है कुछ शीशे टूटे हुए हैं, तो उसको जो हम लोगों को रनिंग में संभव हो सका उसको हम लोग रिपेयर किए। मैं सो रहा था तो देखा वो जलने से उधर से पत्थर आया, पत्थर आकर मेरे पीठ पर गिरा और मेरे को कुछ नहीं पता। जी आपको पत्थर भी लगे हैं? हाँ पत्थर लगे।